भी जितना दिया है उससे साफ लगता है, जिस पर चाहे जयराम रमेश और राहुल गांधी या जिस तरह से तेजस्वी यादव और लालू यादव कुछ भी कहें, लेकिन निश्चित रूप से हाँ सेम पिट्रोदा तो अब दूर है, वो अब से दूर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कल के उसके बाद भी लगातार ये संकेत दिखाई दे रहे हैं कि लोग दूर दराज से भी लोग भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को और आलोकसन रुझानों में मेजोरिटी हो चुकी है इस वक्त, तो मैजिकल नंबर आ गया सरकार का। नहीं वो उसको मैं नहीं स्वीकार करता, ये पोस्टल बैलेट है। एक चीज मैं कह सकती हूं, पोस्टल बैलेट में अगर आपको इंडिया गठबंधन 166 दिख रहा है तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि ये चुनाव काफी कठोर मुकाबले का चुनाव है, और इस चुनाव में अगले कुछ घंटों में ये जो है कि पूरा का पूरा टैली पलटते हुए देखेंगे। 72 पार हो गया एनडीए अभी। नहीं वो तो ठीक है, वो तो 75 में नहीं, वो तो अच्छी बात है कि 272 वो पार है। वास्तव में सचिन कंपटीशन में है, जीतने के मूड से नहीं खेल रहे बिल्कुल भी। नहीं बिल्कुल जीतने वाला मूड है, पता चल जाएगा। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम मान के आए थे घर में नाश्ता करते हुए ये 15-20-30-40 पे टुलटुलाएंगे। देखिए 400 प्लस का नारा तो भाई वो बिल्कुल वो हम 400 होने दीजिए, धैर्य तो रख लीजिए आप। मतलब हम जीतेंगे नहीं पर उनके 400 नहीं आने देंगे। अभी परिणाम का कुछ संकेत दीजिए। देखिए गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, क्योंकि हमारे आसपास जिसको कह सकते हैं नोएडा क्षेत्र से ही है और डॉक्टर महेश शर्मा तीसरी चौथी बार वो जीत रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि यदि आप काम करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। देखिए जो आगे अभी चाहे दूर से दे रहे वोट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमेशा रहे हैं, उनका हॉस्पिटल है, कोरोना का वक्त, तो जो आदमी काम करता है, सांसद है, लगातार रहता है, तो वो मैंने देखा है कि जनता फिर उसके साथ एक कनेक्ट भी रहती है। जैसे मनीष तिवारी यदि चंडीगढ़ में आगे चल रहे बिल्कुल सचिन, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है क्योंकि ये शुरुआती रुझान आ रहे हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, उसके बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा। लेकिन कन्नौज से अखिलेश यादव के आगे चलने की खबर आ रही है। अखिलेश यादव जिन्होंने इस बार पूरी मेहनत की है इंडी गठबंधन के भी हर मंच पर वो लगभग दिखाई दिए, वहीं रत्नागिरी से नारायण राणे आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। उत्तर त्रिपुरा से बिप्लव देव के आगे चलने की खबर है, ये शुरुआती रुझान बैलेट पेपर को लेकर। गुना से सिंधिया आगे चल रहे हैं, दो सीटें छिंदवाड़ा और गुना को लेकर क्योंकि पेश फंसा हुआ नजर आता है सचिन, लेकिन गुना से इस वक्त सिंधिया आगे चल रहे हैं, छिंदवाड़ा को लेकर भी इंतजार रहेगा। चलिए मुकेश नायक इस वक्त जी आप कुछ कहना जो है आगे, क्योंकि पुराना गढ़ रहा है परिवार का, यादव परिवार का, कन्नौज मैनपुरी, और चाहे एग्जिट पोल देखिए इससे भी लगता है कि एग्जिट पोल में चाहे थोड़ा डामाडोल दिखाई दिया हो, लेकिन अभी उनका जो बैलेट से लोग देने वाले हैं पोस्टल बैलेट उसमें उनको आगे दिखाई दिया है। नहीं वो ना वहाँ पे स्थिति भी सर ऐसी कि सर्वजन जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उस कन्नौज में अगर आप देखिए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा और किसी लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने विजिट किया है अगर अखिलेश यादव ने वो कन्नौज का ही किया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मैनपुरी देखें तो वो चुनाव प्रचार का पूरा कमान लगभग डिंपल यादव ने शुरुआती स्तर पे संभाला हुआ था, लास्ट स्तर पे समाजवादी पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। हालांकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कह सकते हैं या समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली सीटें हैं, कन्नौज का जिक्र हो रहा है तो अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। वहीं शुरुआती रुझानों की ओवरऑल अगर बात करते हैं तो एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, रुझानों में एनडीए को 291 सीटें मिल रही हैं जो फिलहाल रुझानों में। दिल्ली की बात करते हैं तो 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मुकेश नायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से, हालांकि बहुत जल्दी है ये कहना मुकेश भाई, कुछ भी हो सकता है, टैली इधर की उधर भी हो सकती है, एनडीए इंडिया वाली नंबर भी हो सकता है, इंडिया वाला एनडीए का नंबर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल एनडीए का वो मैजिकल फिगर है वो आ चुका है जो 272 पार हो चुका है। नहीं ये तो देखिए पोस्टल वैलेट की गिनती है, डाक मतपत्रों की गिनती है, पिछले बार विधानसभा के चुनाव में डाक मतपत्रों में 230 विधानसभा क्षेत्र में से 190 क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन जब मशीनें खुली तो पिछड़ गई। अभी पोस्टल वैलेट से आप पूरे चुनाव का असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, मैंने कई चुनाव लड़े हैं, बहुत पोस्टल वैलेट जहां विधानसभा के चुनाव में तो पोस्टल वैलेट का वही महत्व है जहां बहुत क्लोज इलेक्शन, बाकी लोकसभा के चुनाव में तो पोस्टल वैलेट मतपत्र डाक मतपत्र ज्यादा होते हैं, इसलिए लोकसभा के चुनाव में तो उनका महत्व तो है, लेकिन वो निर्णायक नहीं होते पोस्टल बैलेट। अभी जब कम से कम 2 राउंड की जब गिनती होगी तो पोस्टल बैलेट पर चर्चा हो रही है, रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है।
ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता दें, 2024 में जनता जो फैसला दे रही है उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया गांधीनगर से लगातार अमित शाह के आगे चलने की खबरें आ रही हैं। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं, वहीं मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल पीछे हो गए हैं, ये खबर है। तो नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज भी आगे चल रही हैं। हालांकि दिल्ली से सातों सीटों पर बीजेपी के आगे चलने की खबर है, लेकिन एनडीए इसमें भी बहुमत और बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रहा है। सचिन, रुचिका अग्रवाल है इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से। रुचिका, फिर भी ये कहते हुए कि टैली कुछ भी हो सकती है, बदल सकते हैं नतीजे, क्योंकि अभी तो सिर्फ पोस्टर बैलेट है, धीरे धीरे आएंगे रुझान आएंगे और उसके बाद इंतजार करना होगा। बहुत बड़ा लोकतंत्र, 60 करोड़ से ज्यादा जो है लोगों ने मतदान किया, लेकिन आपका फर्स्ट रिएक्शन? नमस्कार, वंदे मातरम, मेरे सबको राम राम। देखिए, ये रुझान जो आ रहे हैं ये हमें एक्सपेक्टेड था। हम पहले दिन से, जब से इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं तब से हमें पता है कि जिस तरीके का काम हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने काम किया है पिछले 10 सालों में, हमें पूर्ण यकीन है कि हम तीसरी बार भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके का काम, सम्मान, प्यार, आशीर्वाद मोदी जी को मिला है वो अकल्पनीय है। इस तरीके का शायद कभी किसी को मिला हो, और जितना जनादेश अभी भी मिल रहा है हम देख पा रहे हैं, एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा था, मैं खुद ग्राउंड पे काम कर रही थी, मैंने खुद देखा है जिस तरीके का पसंद जो सबसे पहली रही है वो मोदी जी रही है। और रही बात इंडी गठबंधन की, तो हम लोगों ने उनके बीच की फूट तो हमने पहले दिन से देखी, हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं इस बारे में। पहले दिन से जब फूट पड़ रही होती है तो जो विश्वसनीयता होती है वो जनता के सामने खत्म हो जाती है। लोग ये सोच लेते हैं कि कहीं पर एक साथ लड़ रहे हैं, अब जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है पंजाब में आमने सामने लड़ रहे हैं। चलिए, आपके लिए इस वक्त एक और जो है वो अच्छी खबर है। हालांकि रुझान है, लेकिन एनडीए की इस वक्त ट्रिपल सेंचुरी लग चुकी है। 300 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है। इंडिया 161 शुरुआती रुझानों में और एनडीए 300 पार होता हुआ नजर आ रहा है। 400 पार तो अलग बात है, लेकिन 300 पार होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस टैली का अगर हम जिक्र करें, 161 इंडिया, आप बात पूरी कर सकते हैं अपनी? देखिए, ये एक्सपेक्टेड है, और हमने जिस तरीके का अभी आप बता ही रहे हैं हम भी देख रहे हैं। 300 तो ये बहुत शुरुआती फिगर्स हैं, उसके बाद हम 400 तक भी छुएंगे। प्यार बहुत मिल रहा है। मैं खुद जब आपको बता रही थी कि मैं ग्राउंड पे काम कर रही थी, जिस तरीके का हर लेवल के, हर जगह जब हम स्कीम्स की बात करते हैं, हम पॉलिसीज की बात करते हैं, बिना भेदभाव जिस तरह से मोदी जी ने सारी स्कीम्स दी हैं, सारी, चाहे उज्ज्वला योजना रही हो, जनधन अकाउंट रहे हो, हमारी डिजिटल इंडिया, हम आजकल अपना बैंक अपने हाथ में लेके घूमते हैं, तो उस वजह से जो काम हुआ है, और इंटरनेशनली जो हमारी एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, उसमें हमारा जो रॉब हुआ है, आज जो भी आसपास के जो दुश्मन देश थे, आतंकी देश थे, वो आज हमसे डरते हैं। हमारे आपने जैसे कहा 400 पार, वो 300 से नीचे आ गए। हमारे प्रधानमंत्री आपने जैसे कहा 400 पार, वो 300 से नीचे आ गई। मैंने कहा ना, आज बहुत जल्दी है, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी स्थिति इधर से उधर बदल जाती है, इधर से उधर बदल जाती स्थिति। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो रुझान है आप तक पहुंचा रहे हैं। छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ आगे चल रहे हैं, हालांकि इसी सीट पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी। छिंदवाड़ा ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस का गढ़ है, और यहां पर नकुलनाथ आगे चल रहे हैं, कमलनाथ के बेटे हैं। वहीं बारामती से सुप्रिया सुले आगे चल रही हैं। तमाम जो रुझान हैं शुरुआती वो आपको बता रहे हैं। गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। सचिन, लगातार हम देख रहे हैं जो शुरुआती रुझान है उसमें, जैसा कि रुचिका जी ने भी कहा कि जो एक्सपेक्टेड था वही हो रहा है, लेकिन अभी हम देखना चाहते हैं कि कितनी टफ फाइट होती है, क्योंकि